बिलावल भुट्टो की मैं बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी तो उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि जी बस भुट्टो साहब की रूह उनमें आ गई है, शहर में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब बिलावल साहब को तो बिल्कुल कोई एक्सेस ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट फाइल्स भी, इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनसे पूछ कर नहीं किए जाते। जो वजारत खारजा जो कर रही है ना, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब देते हैं थ्रू तारिक फातमी। बिलावल भुट्टो की मैं बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, पीपल्स पार्टी तो उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि जी बस भुट्टो साहब की रूह उनमें आ गई है और अब बिलावल साहब उनकी परवरिश, जरदारी साहब उनकी परवरिश कर रहे हैं और उनको एक लॉन्च पैड मिल गया और अब वो बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन शहर में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब बिलावल साहब को तो बिल्कुल कोई एक्सेस ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट फाइल्स भी, इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनसे पूछ कर नहीं किए जाते। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ी सफाई से, बड़ी होशियारी से, वैसे वो बड़े लगते हैं सादा की से तबीयत के, अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो वो बेचारे बड़े, और ख़ास तौर पर जो मीम्स चल रही हैं टिकटॉक पर इधर उधर, उसमें तो वो बहुत ही बेचारे मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मत समझे मैं भिखारी हूँ लेकिन बस क्या करूँ, पिछले 75 साल से पता नहीं क्या हो गया। वो बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी सफाई से, तारिक फातमी साहब जब शुरू में उनको लगाया गया था, तारिक फातमी साहब बड़े, ये बेसिकली ये फातमी साहब की शोहरत ऐसी है डॉन लीक्स के मरकज़ी किरदार है रिपोर्टेडली ये, और इनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम हैं, इसराइल को कबूल करना, दूसरी चीज़ें, अमेरिकन लॉबी, इनको एडवाइज़र लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने अपना, स्पेशल असिस्टेंट फॉर दिस फॉरेन अफेयर्स। लेकिन जब बिलावल भुट्टो बने वज़ीर ख़ारजा, पीपल्स पार्टी के पास से चली गई वजारत और हिना रबानी कर वज़ीर मुमलिकत बनी, तो इनको कहा कि जी नहीं आप हट गए हैं, लेकिन ये बेसिकली हटे वटे नहीं हैं, सारी फाइलें इन्हीं के पास हैं और सारे जो शहबाज शरीफ साहब को जो मशवरे देते हैं, जो वजारत खारजा जो कर रही है ना, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब देते हैं थ्रू तारिक फातमी, क्योंकि वड्डे पाजी जो हैं उधर से लंदन से भी उनकी ये हदायत हैं कि तारिक फातमी साहब उधर तस्वीर दिखा दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े अहम जो उनके डायरेक्टर हैं खारजा अमूर के, वो आए पाकिस्तान, तो ये कौन उनका इस्तकबाल करने गया है? भाई वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो कोई इधर से, या तो कोई नून लीग की पार्टी का कोई इनका कोई जाता बंदा, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा जाता, ये तारिक फातमी साहब खड़े हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, कोई ये फॉरेन ऑफिस बताए ना, इनका क्या ताल्लुक है तारिक फातमी साहब का फॉरेन ऑफिस से? ये तो यानी हिना रबानी खर साहबा नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब नहीं है, या पीपल्स पार्टी का कोई होता, कम्युनिस्ट पार्टी को अगर हम ये कहें कि पार्टी एट पार विद पार्टी होगी तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा होना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, बड़े समझदार लोग हैं पीपल्स पार्टी में, चौधरी मंजूर साहब हैं पीपल्स पार्टी में, कमर जमान कायरा साहब हैं पीपल्स पार्टी में, वो लोग जा सकते थे। लेकिन ये तारिक फातमी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में जो खबरें चल रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि वो वजारत खारजा की अहम फाइल्स, अहम डिसीजंस, जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस हैं उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ लगा दिया गया है कि आप घूमें फिरें, बात करें, अपनी अंग्रेज़ी सीधी करें, थोड़ा सा बोलने का सीख लें, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। ये जनाब बिलावल साहब के बारे में, क्योंकि वो आते ही नहीं है काबीना के इजलास में भी नहीं आते ज़्यादातर, वर्चुअली उसमें ज़्यादा वो शरीक होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब इस बात से बड़े खुश हैं कि वो घूमते फिरते रहें और जो असल जो मामला है वो कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।